Viewers, today I am going to tell you what the difference between copyright claim and copyright strike, how to resolve it. Or copyright claim or copyright strike ke alawa copyright takedown or copyright content ID mein kya farak hai aur different cheeze जब स्ट्राइक लगती है तो क्या क्या होता है, फर्स्ट स्ट्राइक में क्या होगा, सेकेंड स्ट्राइक में क्या होगा, थर्ड स्ट्राइक में क्या होगा, उससे चैनल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, चैनल टर्मिनेट कब होता है, ये सारी चीज़ें आज हम बताएंगे। उसको अच्छे से समझ लीजिए, अदरवाइज यू विल बी इन प्रॉब्लम। कॉपी राइट क्लेम्स आर ऑल्सो नोन एज कॉन्टेंट आई डी क्लेम। Content ID is fully automated digital right management tool on the YouTube platform that scans video and notifies the right holder if their video clips, image or audio have been used without express permission. Regarding copyright content ID claim, you should know the following. अगर आप किसी का video, image, audio कुछ भी use करते हैं without permission तो आपको कॉपीराइट क्लेम लग सकता है। अब कॉपीराइट क्लेम में क्या क्या होता है, क्लेम विल नॉट बी एडवर्सली अफेक्ट योर यूट्यूब चैनल। जब क्लेम लगता है तो चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। द राइट होल्डर कैन क्लेम द रेवेन्यू ऑन योर वीडियो इफ यू हैव यूज देयर कॉन्टेंट। अगर उसका कॉन्टेंट आप यूज कर रहे हैं तो वो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो ले सकता है। कॉपीराइट होल्डर कैन प्लेस एड, आपके वीडियो पे एड लगा के उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो ले लेगा। कॉपीराइट होल्डर कैन रिस्ट्रिक्ट योर वीडियो इन सम कंट्रीज और रीजन, कुछ कंट्रीज और रीजन में आपके वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, चलने ही नहीं देगा। कॉपीराइट होल्डर में ऑल्सो चूज टू टेक नो एक्शन, हो सकता है वो कोई भी एक्शन ना ले। कॉपीराइट क्लेम आर पार्ट ऑफ कॉपीराइट लॉ, क्लेम जो होता है वो कॉपीराइट लॉ का एक पार्ट होता है। कॉपीराइट क्लेम ओनली अप्लाई टू द वीडियो फ्लैग्ड एंड नॉट द एंटायर चैनल। अब इसका फायदा ये होता है कि केवल उसी वीडियो पे फ्लैग लगता है जिसमें कॉपीराइट क्लेम लगा होता है, पूरे चैनल पे नहीं लगता है। अ क्लेम कैन बी प्रूवन फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन इफ यू रियली ओन द कॉन्टेंट दैट इज बीइंग क्लेम्ड बाय समवन एल्स। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, हमने जो कंटेंट डाला था वो मेरा है और आप क्लेम करिएगा, तो आपका कॉपीराइट क्लेम फॉल्स भी हो सकता है, आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक इज अ इशू टू क्रिएट इफ दे हैव अपलोडेड समथिंग विद इन द वीडियो दैट दे डू नॉट ओन। अगर आपका कुछ नहीं है, किसी दूसरे का पूरा आपने यूज़ किया है, तो कॉपीराइट स्ट्राइक लग सकता है। कॉपीराइट होल्डर हैज़ अ राइट टू रिमूव दैट वीडियो फ्रॉम योर यूट्यूब ऑल टुगेदर। और कॉपीराइट जिसने दिया है वो यूट्यूब वीडियो पर से आपका पूरा हटा सकता है। विच मीन्स इट ब्लॉक एनी एवरीवेयर एंड द एबिलिटी टू जनरेट एनी फर्दर एंड एड रेवेन्यू शट डाउन, और उससे आपका जो एड रेवेन्यू होगा वो खत्म हो जाएगा। क्रिएटर शुड नो द फॉलोइंग अबाउट द कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन यूट्यूब। तो जो क्रिएटर यूट्यूब पे, हमको ये पता होना चाहिए कि कॉपीराइट स्ट्राइक विल एडवर्सली अफेक्ट योर चैनल। कॉपीराइट क्लेम चैनल को एडवर्स इफेक्ट नहीं करता है, प्रॉब्लम नहीं करता चैनल को, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक होता है तो चैनल को प्रॉब्लम आ जाती है। कॉपीराइट होल्डर कैन कम्प्लीटली रिमूव योर वीडियो फ्रॉम योर यूट्यूब। जो कॉपीराइट होल्डर है वो आपका ये वीडियो आपका यूट्यूब पर से हटा सकता है। इफ़ यू रिसीव अ कॉपीराइट स्ट्राइक यू वोंट बी एबल टू मोनिटाइज योर वीडियो, और वो वीडियो आपका मोनिटाइज नहीं होगा। यू ऑल्सो वोंट बी एबल टू लाइव स्ट्रीम फ्रॉम योर अकाउंट, और आप अपने अकाउंट पर से लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाइएगा। इफ़ यू रिसीव 3 कॉपीराइट स्ट्राइक Your YouTube channel will be terminated and you will be banned from creating another one. और अगर आपको 3 स्ट्राइक लग जाती है तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है और आपका कोई और चैनल आप नहीं बना पाइएगा। कॉपीराइट स्ट्राइक एक्सपायर आफ्टर 3 मंथ, और ये स्ट्राइक 3 महीने के बाद ख़त्म होती है।
तो कॉपीराइट स्ट्राइक इज़ वेरी डेंजरस, उससे आपका चैनल ख़राब हो सकता है, उससे आपका वीडियो रिमूव हो सकता है, उससे आपका वो वीडियो मोनेटाइज नहीं हो सकता, आपको लाइव स्ट्रीम नहीं करने मिलेगा और 3 महीने बाद ही वो स्ट्राइक ख़त्म होगा। YouTube आपको दूसरा चांस देता है कि आप अपना काम कंटिन्यू करिए। YouTube करंट कॉपीराइट पॉलिसी ये है कि आप किसी का वीडियो क्लिप ऑडियो ये सब मत यूज़ कीजिए और अपना कुछ यूज़ करिए, अननेसेसरी किसी का अनऑथराइज चेंज मत यूज़ करिए। कॉपीराइट क्लेम कंटेंट आईडी क्लेम, कंटेंट आईडी क्लेम कम विद मोनेटाइजेशन ट्रैकिंग और व्यू रिस्ट्रिक्शन रूल। For the latter, the video only remain live in certain countries or region at the right holder discretion. अब copyright claim जब लगता है तो वो कुछ areas में आपको नहीं दिखाएगा और इसको monetization के लिए भी check किया जा track किया जा सकता है। Owner can also decide the block the entire video from being viewed on YouTube, monetize the video by placing ad against it. Right owner take 100% of revenue share. Claim लगने पर क्या होगा कि जिसका आपने content use किया है वो उस पर ad लगा सकता है, उसका 100% revenue उसको मिल जाएगा और वो video monetize नहीं होगा। तो ये सब problem आ सकती है claim के साथ भी, तो समय रहते क्लेम को हटा लीजिए। अगर किसी का सॉन्ग भी यूज़ किया है तो उसको हटा दीजिए, उसको किसी दूसरे सॉन्ग से रिप्लेस कर दीजिए, या उतना वीडियो आप ट्रिम कर दीजिए या उसका कंटेंट को हटा दीजिए, तब आपका मोनेटाइजेशन होगा। व्हाट हैपन इफ़ यू रिसीव द कंटेंट आईडी क्लेम अगेंस्ट वन ऑफ योर वीडियो, अगर आपका वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम है तो क्या करिएगा। वंस द क्लेम हैज़ बीन फॉर्मली डिस्प्यूटेड, when the claim is formally disputed by the uploader, the right owner has 30 days to respond. अब claim होने पर owner के पास क्या क्या 30 दिन रहता है, रिलीज कर सकता है वो claim, reject कर सकता है dispute को, अगर आया है तो वो मना कर देगा, नहीं नहीं हम तो अपने content पे आपसे revenue लेंगे, removing the video in a question, वो कहेगा कि आप हटाइए इस video को, और कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट लेगा। अब ये टेक डाउन रिक्वेस्ट क्या होता है, वो कहता है वीडियो को हटा दीजिए, डिसाइडिंग नॉट टू रिस्पॉन्ड टू अपील, और हो सकता है कि वो छोड़ दे आपके क्लेम को ना देखे और 30 दिन बाद आपका क्लेम हट जाएगा। व्हाइल कंटेंट इज डिस्प्यूट एनी व्यूअर रिस्ट्रिक्शन आर रिवर्स्ड, द वीडियो कैन कंटिन्यू टू जनरेट रेवेन्यू थ्रू एड्स, हाउएवर दैट रेवेन्यू विल बी हेल्ड इन न्यूट्रल अकाउंट। लेकिन अगर डिस्प्यूट नहीं हटा, उसने नहीं माना आपके रिक्वेस्ट कहने पे भी, तो वो जो उसमें ऐड से रेवेन्यू जनरेट हो रहा वो एक न्यूट्रल अकाउंट में जाता है और कोर्ट में फिर जो दो डिस्प्यूट के लोग हैं उसमें से जो जीतता है उसको पैसा मिलता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग झूठा क्लेम कर देते हैं, तो आप अपने क्लेम को उस क्लेम के रिवर्स में अगर नोटिफिकेशन कोर्ट को भेजिएगा तो हो सकता है कि वो क्लेम हट जाए और आप जीत जाइए, तो जो न्यूट्रल अकाउंट में पैसा आता है वो आपको मिल जाए। इफ द राइट ओनर डजंट रिस्पॉन्ड विद इन 30 डेज, अगर राइट कोई सही में क्लेम कर रहा है और वो 30 दिन तक नहीं रिस्पॉन्ड करता है तो फिर क्लेम अपने आप हट जाता है और उस पर एड आग से जो रेवेन्यू होता है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है कि आप वो डिले टेक डाउन लगा देता है, वो कहता नहीं ये वीडियो को हटाइए और चूज टू टेक डाउन द वीडियो और सेटअप और डिले टेक डाउन, तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर अपील करना होता है कि प्लीज़ हमारे क्लेम को हटा दीजिए, आपका रेवेन्यू हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वो तब भी नहीं मानता है तो आपका वीडियो यूट्यूब पर से हट जाएगा। डिफरेंस बिटवीन कॉपी राइट टेक डाउन एंड कॉन्टेंट आई डी क्लेम, अब ये टेक डाउन और कॉन्टेंट आई डी क्लेम में क्या डिफरेंस है। ओनर कैन मैनेज देयर कॉपी राइट इंटरेस्ट ऑन यूट्यूब आइदर बाई इशूइंग कॉपी राइट टेक डाउन और इफ दे हैव एसेस द कॉन्टेंट आई डी टूल बाई क्लेमिंग अ वीडियो सेटिंग अ पॉलिसी ट्रैक इट बाई कलेक्टिंग
स्टेट मोनिटाइजेशन इट बाय प्लेसिंग एड्स एंड कलेक्टिंग एड रेवेन्यू। अगर क्लेम है तो उस पर ऐड करके वो पैसा ले लेगा, टेक डाउन है तो मतलब वो कहेगा कि आप टोटली हटा दीजिए। टेक डाउन मीन्स वो टोटली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और चाह रहा है कि आप वीडियो को हटा दीजिए। और क्लेम में क्या होगा, कुछ केसेस में वो मान जाता है, जैसे बहुत से लोग गेम्स दिखाते हैं तो गेम्स वाला तो चाहता है कि हमारा गेम ज़्यादा चले, तो वो क्लेम तो कर सकता है लेकिन टेक डाउन नहीं करता कि वीडियो ना हटे तो उस पर जो एड चलेगा उससे रेवेन्यू जो होगा वो उसको मिल जाएगा। कंटेंट आईडी क्लेम इजंट अकंपनीड बाय कॉपीराइट स्ट्राइक बट द कॉपीराइट टेक डाउन इज। अब क्लेम जो होता है वो स्ट्राइक में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन कॉपीराइट टेक डाउन जो होता है वो स्ट्राइक में कन्वर्ट होता है, क्योंकि अगर आप नहीं हटाते उस वीडियो को तो आपके ऊपर स्ट्राइक लग सकती है। कॉपीराइट टेक डाउन, अब कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वायर्स द ओनर टू सबमिट अ फॉर्मल नोटिस टू अस। अब जो टेक डाउन लगाता है उसको अपनी नोटिस फॉर्मली चॉकआउट करके देनी होती है। इफ़ योर कॉपीराइट नोटिस यू विल सी द फ्रेज वीडियो टेक डाउन कॉपीराइट स्ट्राइक, इस तरह से लिख के आएगा। बिसाइड योर वीडियो इफ इट वॉज रिमूव एज अ रिजल्ट ऑफ कॉपीराइट टेक डाउन नोटिस, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं आप वीडियो हटाइए। इफ योर वीडियो वॉज रिमूव इन एरर टू कॉपी राइट टेक डाउन यू हैव टू ऑप्शन टू रिक्वेस्ट अ रिट्रैक्शन फॉर द क्लाइंट एंड सबमिट अ काउंटर नोटिस। अगर वीडियो हट जाता है तो आप जिसने क्लेम किया है उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या काउंटर नोटिफिकेशन डाल सकते हैं जिससे आपका वीडियो वापस आ जाए। अदरवाइज द स्ट्राइक विल बी एक्सपायर ऑन इट्स ओन इन 3 months, नहीं तो 3 महीने में स्ट्राइक अपने आप हट जाएगी। कॉन्टेंट आई डी इज द यूट्यूब सिस्टम दैट इज मेड पॉसिबल बाय डील मेड बिटवीन यूट्यूब एंड कॉन्टेंट पार्टनर हु हैव अपलोडेड मटीरियल दे ओन टू आवर डेटाबेस। अब कॉन्टेंट आई डी जो क्लेम आता है वो ओनर और जो यूट्यूबर है क्रिएटर है उसके बीच में अगर सुलह हो जाती है तो वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, वो वीडियो चल जाएगा। यू विल नो इफ योर वीडियो इज अफेक्टेड बाय कंटेंट आईडी क्लेम इन योर कॉपीराइट नोटिस यू सी अ फ्रेज इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट। यूजली क्लेम इज जस्ट टू ट्रैक अ मोनेटाइजेशन द वीडियो नॉट टू ब्लॉक इट, सो योर वीडियो रिमेन लाइव विद दोस क्लेम्ड एंड यू स्टिल शेयर इट विद अदर्स। अब क्लेम में क्या होता है, वीडियो हटता नहीं और उसको आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन कॉपीराइट टेक डाउन में वीडियो को हटा दिया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉपीराइट टेक डाउन किसी को भी दिया जा सकता है जो दूसरे का मटेरियल यूज़ करता है, और ये कंटेंट आईडी जो होता है ये यूट्यूबर के द्वारा दिया जाता है। मैनुअली सबमिटेड बाई कॉपीराइट ओनर, और ये कॉपीराइट टेक डाउन मैनुअली जो ओनर होता है वो देता है। यूजली ऑटोमेटेड होता है, जैसे आपका रोज वीडियो चेक होता है और अगर उसमें कोई क्लेम है तो यूट्यूब आपको बता देगा। रिजल्ट इन कॉपीराइट स्ट्राइक, अब अगर टेक डाउन कॉपीराइट टेक डाउन लगा है तो वो स्ट्राइक में कन्वर्ट हो सकता है। रिजल्ट इन कॉन्टेंट आई डी क्लेम, अब कंटेंट आईडी होता है तो उसमें स्ट्राइक नहीं लगेगा, कंटेंट आईडी क्लेम कई हो सकता है। वीडियो रिमूव फ्रॉम यूट्यूब, अब टेक डाउन में वीडियो यूट्यूब से हटा दिया जाता है, जबकि इसमें ओनर ट्रैक ब्लॉक मोनेटाइज वीडियो। अब इसमें ओनर जो होता है वो वीडियो को ट्रैक करता है, उसके ऐड का पैसा लेता है, उसके मोनेटाइजेशन से रिलेटेड और वीडियो से रिलेटेड सारी चीज़ें, उसको ब्लॉक कर सकता है कुछ रीजन में वो नहीं दिखाई जाएगी। Copyright strike is issued when a right owner requests the legal removal of the video on YouTube because the uploader didn't have the permission to use their images, audio or video clip. और legally उसको remove करने को बोल सकता है। और ये स्ट्राइक कब लगता है, जब आप किसी के कंटेंट को यूज़ कर लेते हैं और उससे परमिशन नहीं लेते हैं।
ये आप डिस्क्लेमर में डाल के ये सोचते हैं कि आपको स्ट्राइक नहीं लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉपीराइट स्ट्राइक आर मैनुअल एंड आर एक्टिवेटेड व्हेन राइट ओनर फाइल द DMCA टेक डाउन रिक्वेस्ट। और स्ट्राइक तभी लगता है जबकि ओनर जो होता है वो टेक डाउन रिक्वेस्ट लेता है। ओनर मस्ट सप्लाई यूट्यूब विद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू टेक डाउन विद इंक्लूड्स। अब उसमें क्या क्या डिस्क्लेम जो क्लेम करता है वो क्या क्या करना पड़ता है उसको। राइट होल्डर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ मटीरियल द ओनर वॉन्ट टू प्रोटेक्ट, अ स्वान स्टेटमेंट ऑफ गुड फेथ बिलीव दैट मटीरियल वीडियो क्लिप जिफ इमेज हैज बीन यूज विदाउट एक्सप्रेस परमिशन। आपने कोई इमेज जिफ या कुछ भी यूज किया है तो वो विदाउट परमिशन, तो वो सारी चीजें वो बता सकता। आफ्टर अ टेक डाउन रिक्वेस्ट इज फाइल्ड बाय द राइट ओनर यू ट्यूब हैज टू रिमूव द वीडियो इन क्वेश्चन फ्रॉम द अपलोडर चैनल। और कुछ भी अगर आपने यूज किया है तो यूट्यूब को उसको हटाना पड़ेगा। द क्रिएटर इज नोटिफाइड एंड दे कैन आइदर फाइल अ काउंटर नोटिस और एक्सेप्ट द टेक डाउन डिसीजन। तो जो जिसने अपलोड किया है या तो वो वीडियो हटा देगा और या तो फिर वो काउंटर नोटिस फाइल करेगा, और जो कोर्ट में जीतेगा वो उसको उसका ओनर हो जाएगा। इफ द वीडियो इज टेक डाउन फॉलोइंग द मैनुअल क्लेम द क्रिएटर चैनल विल रिसीव अ कॉपीराइट स्ट्राइक एंड डिलीट द ऑफरिंग वीडियो विल नॉट रिजॉल्व द स्ट्राइक। व्हाट हैपन आफ्टर द फर्स्ट कॉपीराइट स्ट्राइक। अब आपको पहली कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती तो क्या होता है। If you receive a copyright strike against a video, take that as a real warning. YouTube now believe that your account is losing good standing. अब आपका क्या होता है, आपका आपकी इमेज जो होती है वो यूट्यूब में खराब हो जाती है। फर्स्ट कॉपी राइट स्ट्राइक रिसीव बाई निगेटिव अफेक्ट सम चैनल फीचर लाइक स्टॉप टू एनी लाइव स्ट्रीमिंग और मोनिटाइजेशन। अब उसमें क्या होगा, उसमें लाइव स्ट्रीम आपका रुक जाएगा, मोनेटाइजेशन रुक जाएगा और बहुत से फीचर आपके रोक दिए जाएंगे। YouTube is willing to give the creator another chance at this stage because the first copyright strike will be expire after 90 days. जब फर्स्ट स्ट्राइक लगती है तो आपका 90 दिन बाद वो खत्म हो जाती है। तो बी अलर्ट, फर्स्ट स्ट्राइक लगते ही मान आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ना आप लाइव स्ट्रीम कर पाइएगा ना आपका चैनल मोनेटाइज होगा। व्हाट हैपन आफ्टर योर सेकंड एंड थर्ड कॉपीराइट स्ट्राइक। द डेंजर लेवल जस्ट टर्न अप अ नॉच। डेंजर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। इफ योर चैनल रिसीव अ सेकंड कॉपीराइट स्ट्राइक बिफोर द फर्स्ट स्ट्राइक हैज इवन एक्सपायर्ड, यू विल हैव देन हैव टू वेट अनदर 90। अगर सेकेंड स्ट्राइक लगा तो 90 दिन फिर आपको वेट करना पड़ेगा, ना आप लाइव कर पाइएगा, ना मोनिटाइज होगा, ना कुछ भी काम होगा। अंटिल द सेकेंड स्ट्राइक हैज एक्सपायर्ड, इन द मीन टाइम योर अकाउंट रिमेन आउट ऑफ गोइंग गुड स्टैंडिंग। इफ योर रिसीव थर्ड कॉपीराइट स्ट्राइक बिफोर फर्स्ट टू स्ट्राइक हैव एक्सपायर्ड, अब पहले दूसरा एक्सपायर में तीसरा भी लग गया, YouTube will automatically terminate your account and remove all your uploaded video. जैसे ही आपका थर्ड स्ट्राइक लगता है आपका सारा वीडियो जो होता है वो हटा दिया जाता है और आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है। यू विल ऑल्सो बी बैंड फॉर क्रिएटिंग एनी न्यू चैनल, और आपको न्यू चैनल बनाने का भी एडवाइस नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता है। फॉर फ्यू केसेस द बैड न्यूज doesn't end there, you could face a legal challenge and media you use without permission could take you all the way to court. If you lose the case, you could end up with a massive legal fees plus the substantial fine to pay off good time. और यही तक नहीं है, उसके बाद आपको legally भी court में face करना पड़ता है और आपको एक अच्छा amount उसको देना पड़ता है जो उसका owner है, और आप प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हैं, इवन आपको जेल भी हो सकती है। कैन यू स्टिल मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल इफ यू हैव रिसीव अ कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक। क्या क्लेम और स्ट्राइक मिलने के बाद भी आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं।
If you apply the YouTube partner program but aren't accepted, YouTube doesn't give enough of explanation as to why you were rejected, so you will never know where your application failed because of copyright issue. तो आप अगर मोनेटाइजेशन के लिए कहते भी हैं तो वो नहीं करेगा और ना ही YouTube पार्टनर प्रोग्राम में हिस्सा ले पाइएगा. However, you do know that monetize your channel, you have to comply with the YouTube term of service, copyright guidelines and commentary guide. तो आपको copyright guideline और commentary guideline दोनों अच्छे से पता होना चाहिए और Google Ad की policy भी पता होना चाहिए, otherwise आपका channel monetize नहीं होगा. So if you have a copyright claim or copyright strike on your channel, will you be rejected for monetization? No, but bear in mind copyright strikes are serious offenses. अब आपको क्या अगर copyright claim और copyright strike आएगा तो क्या monetization reject हो जाएगा? लेकिन ये reject तो नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है. इफ़ योर चैनल हैज नो कॉपीराइट क्लेम, नो कॉपीराइट स्ट्राइक, यू विल ऑटोमेटिकली बी एक्सेप्टेड इनटू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम. अब एक दिन हम आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के बारे में अच्छे से बता देंगे कि उसके लिए क्या क्या होना चाहिए. अगेन नो, बिकॉज यू हैव ऑल्सो गॉट अ कंसिडर ऑल अदर कम्युनिटी गाइडलाइंस यू नीड टू अडियर. YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए भी आपके चैनल पे क्लेम और स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, तभी आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं. कैन यू गो टू जेल फॉर कॉपीराइट ऑन YouTube? कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट पेनालिटीज कैन इंक्लूड अप टू 5 years इन प्रिजन फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंस एंड अप टू 10 years इन प्रिजन फॉर एडिशनल ऑफेंसेस. आपको 5 साल की जेल भी हो सकती है और अगर भी आप कुछ करते हैं तो प्रॉब्लम करते हैं तो 10 साल की जेल हो सकती है. इसलिए बी अलर्ट, डोंट डू दिस एंड ट्राई टू वोंट गेट द कॉपीराइट स्ट्राइक. आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक ना मिले. कोई भी ऐसा काम ना करिए, रूल्स को अच्छे से पढ़िए. ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमें पता नहीं था. सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टुडे. हमको लगता है आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है और ये कितना खतरनाक है. अगर आपको लग जाएगा तो आपका चैनल बेकार हो जाएगा. सो थैंक यू व्यूअर्स, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड